गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लिप कैसे लगाते हैं पैच में। जैसे सपोज आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं क्लिप और बीच में कहीं टूट जाते हैं, तो क्लिप आपको ऑनलाइन मिल तो जाते हैं लेकिन आपको लगाने के लिए सैलून पे या हमारे पास ही आना होता है। तो मुझे आज ये इसलिए याद आई बात कि जैसे कोई नोएडा से आज मेरे पास स्पेशली एक क्लिप लगवाने के लिए आया था, तो मुझे काफी ऑड फील हुआ। तो मैं उस वजह से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको। ये जैसे मैंने ये नए पैच में 3 क्लिप लगाए, ये किसी को लगाने वाला हूँ मैं, ठीक है, और आगे एक टेप का पीस लगेगा, तो ये पैच अपना कंप्लीट है। तो इस केस में मैं आपको नए पैच पे क्लिप स्टिच करके दिखा देता हूँ कि करना कैसे है आपको। सपोज अपना बैक साइड और फ्रंट साइड आपको सबको पता ही होता है क्या है, तो उस केस में आपको क्लिप लेना है जैसे ये लिया हमने। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक दो बार लग जाएगा तो कुछ गलत हो जाएगा, मैं नॉर्मली दिखाता हूँ, इसे कट करके हटा भी सकते हो आप, अब बाई चांस गलत भी लग जाता है आपसे। तो हमने ये क्लिप उठाया और उस केस में क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो इसके दांत हैं वो आउटर साइड रहेंगे और ये जिस जो होल हैं वो इनर साइड रहेंगे। उस केस में आपको सबसे पहले ये बैक साइड लेनी है, बैक साइड का सेंटर नाप लिया हमने और जो होल बना हुआ है उसमें से पैच में से निकालते हुए इसको स्टिच करना है। और कुछ मजबूत धागा मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो सिलाई वाले धागे से भी डबल करके सिलाई की जा सकती है इससे। अब ये देखिए मैंने ये स्टिच कर दिया है और इसमें आपको आई थिंक 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की नीड नहीं है। स्टिच कर चुका हूं, ये देखिए अब जो मैंने स्टिच किया है वो इस तरह का हुआ है फाइनली। अब हम इसमें मैंने 3 क्लिप लगाए हुए हैं, उसमें एक क्लिप लगा के दिखाया आपको और फ्रंट साइड में टेप लगाऊंगा और काम कंप्लीट मेरा, अब इजी टू यूज कर सकता हूं मैं। अब मुझे बताइए आपको मेरा काम कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।